सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज उड़न तश्तरी के बंधक। बंबई से राजनगर की फ्लाइट 1314 अपने निश्चित समय पर राजनगर के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए बढ़ रही थी। चलो कल से फिर वही स्कूल का रगड़ा और होमवर्क का झगड़ा। बंबई में मौसी के घर कितना मजा आ रहा था। हर समय मजा मारने से काम नहीं चलता श्वेता, कभी कभी पढ़ना भी चाहिए, कभी कभी ना, यहाँ तो रोज के वही खिटखिट है। बोलते बोलते श्वेता के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए और रजनी के साथ साथ सभी यात्रियों की आंखें खुद ब खुद बाहर की ओर मुड़ गई। हे भगवान, ये तो दृश्य वाकई आतंकित कर देने वाला था, क्योंकि रात के अंधेरे में सूर्य की तरह चमकती एक गोल वस्तु तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ रही थी, जिसका नाम सबको पता था, ये तो उड़न तश्तरी है। लेकिन ये तो हमसे टकराने जा रही है। बचाओ। लेकिन उड़न तश्तरी प्लेन से टकराई नहीं, बल्कि उसमें से एक किरण निकलकर प्लेन से टकराई और आगे बढ़ता हुआ प्लेन हवा में ही रुक गया। किंतु इससे पहले कि कुछ और होता, एक दूसरी गोल वस्तु अचानक हवा में प्रकट हुई और पहली उड़न तश्तरी की तरफ बढ़ने लगी। अगले ही क्षण यह स्पष्ट हो गया कि दोनों दोस्त नहीं हैं, लेकिन पहली उड़न तश्तरी दूसरी के मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर थी। लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली है। एक अंधा कर देने वाली चमक के साथ दूसरी उड़न तश्तरी तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगी। धूल और धुएं के बादल जमीन की सतह से आसमान को छूने के लिए ऊपर लपके और फिर सब शांत हो गया सिवाय एक चीख के। लेकिन राजनगर एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा हुआ था। हेलो कॉलिंग 1314। हेलो हेलो सर, फ्लाइट 1314 के साथ हमारा लिंक अचानक टूट गया है। क्या? प्लेन की पोजीशन रडार पर चेक करो। रडार पर भी प्लेन का कोई निशान नहीं है। ओ माय गॉड, पायलट का आखिरी मैसेज क्या था? सिर्फ एक शब्द सर, उड़न तश्तरी। उड़न तश्तरी? दुर्भाग्यशाली प्लेन का यह आखिरी मैसेज कहीं और भी रिकॉर्ड हो गया था। ध्रुव ये मैसेज सुनो। हेलो हेलो, फ्लाइट 1314 कॉलिंग टू राजनगर एयरपोर्ट, एक उड़न तश्तरी। फ्लाइट 1314? इस फ्लाइट से तो मम्मी और श्वेता आ रहे थे। करीम तुम प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करो, मैं अभी आया। और फिर राजनगर एयरपोर्ट पर, दुर्भाग्य से यह खबर सच है ध्रुव, 225 यात्रियों के साथ साथ फ्लाइट 1314 का भी कहीं कोई पता नहीं है। कहीं प्लेन दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गया? भगवान ना करे, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हादसा यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व में हुआ है, रायपुर गांव के पास। हमारा सहायता दल अब तक वहां पर पहुंच गया होगा। अगर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसका मलबा वहां पर जरूर। सर सहायता दल वालों का अभी अभी मैसेज आया है। क्या मैसेज है? सिर्फ एक लाइन का सर, वहां पर दूर दूर तक एक पेंच भी नहीं है। असंभव, एक जंबो जेट 225 यात्रियों सहित ऐसे कैसे गायब हो सकता है? उनसे छानबीन जारी रखने को कहो। लेकिन पायलट के उड़न तश्तरी कहने का क्या मतलब हो सकता है? कुछ खास नहीं, रात की फ्लाइट में अक्सर ऐसे भ्रम हो जाते हैं। ऐसे मैसेज हम कई बार रिसीव कर चुके हैं, लेकिन हर बार वह नजरों का धोखा ही निकला, कभी कोई गुब्बारा या कभी कोई बादल। ठीक है सर, लेकिन कुछ भी पता चलते ही मुझे तुरंत खबर करिएगा। श्योर ध्रुव, तुम चिंता मत करो, हम छानबीन जारी रखे हुए हैं, जल्दी ही कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। बाहर निकलते समय ध्रुव के दिमाग में खलबली मची हुई थी। हो सकता है कि पायलट भ्रमित हो गया हो, लेकिन अगर उसने वाकई कोई उड़न तश्तरी जैसी चीज देखी हो तो। खैर, यहां बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। अब अगर कुछ पता चल सकता है तो रायपुर गांव से। ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल को दुर्घटना स्थल की तरफ मोड़ दिया, लेकिन ध्रुव जब संभावित दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो सहायता दल वाले वापस जाने की तैयारी में थे। यहाँ पर रुकने का मतलब समय की बर्बादी है ध्रुव, प्लेन यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो आखिर प्लेन गया कहाँ?
मेरे ख्याल से प्लेन में कुछ खराबी के कारण पायलट ने उसको कहीं और उतार दिया है और जल्दी ही वह हमसे संपर्क स्थापित करेगा। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? जहां तक मेरा ख्याल है, अगर यहां कोई हादसा हुआ है तो उसको रायपुर के किसी न किसी आदमी ने जरूर देखा होगा, इसलिए इन लोगों से पूछताछ करनी बहुत जरूरी है। काहे साहब, हवाई जहाज मिला? नहीं, मिला तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने कुछ देखा था क्या? देखा तो नहीं साहब, पर एक धड़ाम की आवाज जरूर हुई थी। गांव में सबकी नींद खुल गई। हम लोग जब घर से बाहर आए तो शामू खेत की तरफ से भागता हुआ आ रहा था। हमारे पास आते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका बदन बुरी तरह से तप रहा था और भगवान जाने बेहोशी में क्या क्या बड़बड़ा रहा था। वह है कहाँ पर? अपनी झोपड़ी में बेहोश पड़ा है। चलिए ना, हम आपको उसके पास लिए चलते हैं। और फिर? वह है शामू साहब। वैद्य जी इसको अभी अभी काढ़ा पिला कर गए हैं। बचाओ बचाओ, हाय, चमकती थाली गिर पड़ी, हाय, हमें जला दिया। चमकती थाली? हाँ साहेब, लगातार यही बड़बड़ाया जा रहा है। और वहाँ पर थाली तो क्या, चम्मच तक नहीं गिरा है। चमकती थाली? ये जरूर उड़न तस्त्री की बात कर रहा है, लेकिन ये तो मामला ही उल्टा हो गया। प्लेन की बजाय उड़न तस्त्री ही गिर पड़ी। लेकिन अगर इसकी बात 1% भी सही है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गिरने का निशान जरूर होगा। ध्रुव वापस खेतों की तरफ तेजी से भागा। हैं, उड़न तस्त्री जैसी किसी चीज़ के गिरने से तो अच्छा खासा बड़ा गड्ढा बन जाएगा और उसके टकराने से जमीन भी काफ़ी गर्म हो जाएगी। जैसे ये जगह, ये गड्ढा अभी अभी हुआ लगता है, यहाँ की जमीन भी काफ़ी गर्म है। अवश्य ही कोई भारी वस्तु यहाँ पर आकर जमीन से टकराई है, लेकिन टकराने के बाद वह आखिर कहाँ? ओह, तभी ध्रुव का बदन किसी अदृश्य वस्तु से टकराया। ओह, मैं किस चीज़ से टकराया था? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। नहीं, यहाँ पर कुछ तो है। ध्रुव के बड़े हुए हाथ ने किसी चीज़ को छुआ और साथ ही साथ एक हल्की सी कराह भी उसके कानों से आ टकराई। यहाँ पर जरूर कोई और है, लेकिन वह नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझे मदद चाहिए, आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूँगा, लेकिन पहले आप मेरे सामने तो आइए, वरना मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊँगा? ठीक है, मैं सामने आता हूँ। और अगले ही पल एक चौंधिया देने वाली रोशनी का जोरदार झमाका हुआ और ध्रुव की आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य उभर आया। कमाल है, अभी अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हाँ, अपने यान को उतारने के बाद हम जरूरत पड़ने पर अदृश्य भी कर सकते हैं, पर आप घबराइए मत, अंदर चले आइए। एक हल्की सी आशंका के साथ ध्रुव उड़न तस्त्री के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा और उसके अंदर कदम रखते ही उड़न तस्त्री फिर से अदृश्य हो गई और साथ में ध्रुव भी। इस यान में आपका स्वागत है आदरणीय, मिसाटे आपको प्रणाम करता है। आप तो काफी सभ्य लगते हैं और हमारी भाषा भी जानते हैं। आप किस ग्रह से पृथ्वी पर आए हैं? किस ग्रह से? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? नहीं नहीं आदरणीय, मैं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया हूँ, मैं भी आपकी तरह ही पृथ्वी का वासी हूँ। पृथ्वी के वासी? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि हम आपके समय के अनुसार सन 25,000 के हैं, हम भविष्य से आए हैं। ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से अपने घूमते दिमाग पर काबू पाया। सन 25,000 से? यानी आप समय यात्री हैं? हाँ, हम आप लोगों के वंशज हैं, आप हमारे पूर्वज हैं, इसलिए आप हमारे लिए आदरणीय हैं। आश्चर्य की बात है, वरना अब तक तो हम यही समझते थे कि उड़न तस्त्रियाँ किसी दूसरे ग्रह से आती हैं। उड़न तस्त्रियाँ? हाँ, आपके यानों के गोल होने की वजह से हम लोग उड़न तस्त्री कहते हैं। खैर, मैं इतिहास का विद्यार्थी तो हूँ नहीं, इसलिए आपके युग के बारे में मेरी जानकारी काम चलाऊ ही है। दरअसल हम आपके युग में ही नहीं और कई युगों में भी राजकीय यात्रा पर आते रहते हैं, ताकि पृथ्वी की प्रगति पर नज़र रख सकें और मुसीबत के समय अपने पूर्वजों की सहायता कर सकें। लेकिन कम से कम आपके युग में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। वैसे भी अपने नियमों के अनुसार
हम किसी भी पूर्वज से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो आपने खुद ही बुलाया है। हाँ, आज मैं ऐसा करने पर विवश हो गया। इस दुर्घटना से मेरे यान के ऑटोमेटिक कंट्रोल नष्ट हो गए हैं और मेरे दाहिने हाथ की हड्डी भी टूट गई है। अब मेरे लिए इस यान को चला पाना असंभव है, इसलिए इस यान को वापस चलाकर भविष्य में जाने के लिए मुझे किसी मदद की जरूरत है। लेकिन आपकी इस दुर्घटना का हमारे हवाई जहाज के गायब हो जाने से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। सिर्फ यही समझ लीजिए कि उसका अपहरण हमारे दुश्मनों द्वारा किया गया है। मैं इस अपहरण को रोकने में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि उस हवाई जहाज को अपहरित कर हमारे युग में ले जाया गया है। आपके युग में, यानी सन 25,000 में? लेकिन उस हवाई जहाज के यात्रियों को इस युग यानी सन 1991 में लाना बहुत जरूरी है। यह असंभव है। उनका अपहरण डिक्टेटर विटलर ने किया है और वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। यान में कुछ देर के लिए शांति छाई रही। ध्रुव शायद एक खतरनाक निर्णय लेने जा रहा था। मिसाटे की नजरें ध्रुव पर टिकी हुई थी और ध्रुव ने निर्णय लेने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। आपको अपने युग में जाने के लिए मदद की जरूरत है ना? चलिए, मैं तैयार हूँ। सच? धन्यवाद। आपको सही सलामत इस युग में पहुँचा देने की जिम्मेदारी मेरी रही। आप उस सीट पर बैठ जाइए और सबसे पहले उस पीले बटन को दबाइए। उसके बाद बाएं हाथ से तीसरे लीवर को खींचे रखिए और कीबोर्ड पर 25,496 टाइप कीजिए। ध्रुव ने मिसाटे के अनुसार उड़न तस्त्री को कंट्रोल करना शुरू किया और एक हल्के से झटके के साथ उड़न तस्त्री सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में उछल गई। अब आप कुछ देर के लिए सारे कंट्रोल छोड़ सकते हैं। अब हमारा यान ठीक रास्ते पर है। यह विटलर कौन है? इस सवाल का जवाब एक लंबी कहानी है। हम मानवों की मशीनी प्रगति सही मायनों में आपके युग से आरंभ हुई और फिर मानवों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही सिलसिला बढ़ता गया। धीरे धीरे मानव ज्यादा से ज्यादा मशीन पर निर्भर होते चले गए और फिर हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो गई कि हम मनुष्य और पशुओं के क्षतिग्रस्त अंगों को धातुओं के कृत्रिम अंगों में बदलने लगे। आज यानी 25,000वीं सदी में हम शरीर का हर अंग बदल सकते हैं सिवाय मस्तिष्क के। जिन मानवों के शरीर में धातु के अंग लगे थे वह मेक मानव कहलाने लगे। इस चिकित्सा या अंग प्रत्यारोपण का एक बुरा असर यानी साइड इफेक्ट भी होता है। वह ये कि मेक मानवों में भावनाएं कम हो जाती हैं। भावनाएं कम होने से मेक मानव मानवों से अधिक क्रूर होते हैं। जिस मेक मानव के शरीर में धातु के जितने अधिक अंग होते हैं वह उतना ही अधिक भावनाहीन और क्रूर होता है। इस कारण हमारे समाज में एक दरार आती चली गई। मानव और मेक मानवों में खाई बढ़ने लगी। धीरे धीरे स्थिति ये हो गई है कि आज संसार दो भागों में बटकर रह गया है। आधा संसार हम मानवों के अधीन है और आधा मेक मानवों के कब्जे में है। डिक्टेटर विटलर मेक मानवों का एक छत्र राजा है। उसमें भावनाएं लगभग शून्य हैं, क्योंकि मस्तिष्क के अतिरिक्त उसके शरीर का हर अंग धातु का है। इस कारण वह क्रूरता का जीता जागता रूप बन गया है। लेकिन आप लोगों के झगड़े में हमारे युग के लोग कहाँ से आ गए? सीधी सी बात है, आप लोग हमारे पूर्वज हैं और हमारी भावनाएं आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। विटलर आप लोगों का अपहरण करके हम पर दबाव डालता है। वह आप लोगों को खत्म करने की धमकी देता है और अगर वह ऐसा करता है तो हमारा पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जब हमारे पुरखे ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से पैदा होंगे। विटलर उन लोगों को तब तक बंधक बनाए रखेगा जब तक हम मानव मेक मानवों की अधीनता स्वीकार न कर लें। ओह, अब हमारा यान एकदम सही बिंदु पर है। आप उस नॉब को घुमाकर ऑन कर दीजिए। ध्रुव ने नॉब को ऑन पर घुमाया और उड़न तस्त्री एक स्थान पर रुककर भयंकर गति से घूमने लगी। चारों तरफ अजीब अजीब आकृतियां फैलने लगी। शून्य गहरा से और गहरा होता गया और फिर धीरे धीरे चारों तरफ फिर से तारे नजर आने लगे। अरे, कुछ भी तो नहीं हुआ। हम तो वहीं पर हैं जहां से चले थे। नहीं आदरणीय, है तो यह पृथ्वी ही, परंतु सन 25,000 की। खैर, थोड़ी देर बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। उड़न तस्त्री तेजी से पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ने लगी और थोड़ी देर बाद ध्रुव ने अपने आप को एक अद्भुत दुनिया में पाया। स्वागत है मिसाटे, तुम ठीक तो हो ना? तुमसे अचानक संपर्क टूट जाने के कारण हम लोग बहुत चिंतित थे। लेकिन यह कौन है? यह हमारे पूर्वज हैं श्रीमान,
इनकी मदद के बगैर मैं अपने युग में कभी नहीं आ पाता। पूर्वज, क्या तुम भूल गए हमारे कानून? क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, हम इनको अभी वापस भेजने का इंतजाम करते हैं। नहीं, मैं उस हवाई जहाज के सभी यात्रियों को साथ लिए बगैर कभी वापस नहीं जाऊंगा। उन यात्रियों में मेरी माँ और मेरी छोटी बहन भी है। हैं? हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं आदरणीय, लेकिन यह असंभव है। मुझे असंभव को संभव करना आता है। ये ठीक कह रहे हैं, अगर कोई विटलर के रहस्यमयी बुद्धि को ठिकाने लगा सकता है तो वह ये ही है। आप इनको जानते हैं? मैं ही क्या, इतिहास का हर विद्यार्थी इनको जानता है। ये सुपर कमांडो ध्रुव हैं, 20वीं और 21वीं शताब्दी के सबसे महान योद्धा। इनके नाम से ही उस समय के अपराधी थर थर कांपते थे। मैं तो इनके उन कारनामों के बारे में भी जानता हूँ जिनके बारे में खुद भी अभी नहीं जानते, क्योंकि वे कारनामे इनको अभी करने बाकी हैं। तब तो ईश्वर ने इनको हमारी सहायता के लिए ही यहाँ भेजा है। आप लोग मेरी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं मैं उसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। विटलर तक तो कोशिश करके मैं पहुंच सकता हूँ, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? विटलर के हटते ही कोई और मेक मानव उसकी जगह ले लेगा, और वह भी हिटलर की तरह ही भावना शून्य और क्रूर होगा। नहीं, इस समस्या का इलाज भी हमने ढूंढ लिया है। धातु के कृत्रिम अंग मेक मानवों के शरीर में एक खास हार्मोन्स की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे मानवों में भावनाएं कम हो जाती हैं। उस हार्मोन्स को मेक मानवों के शरीर में प्रविष्ट कराते ही वह हमारे जैसे हो जाएंगे, लेकिन विटलर हमको ऐसा करने नहीं दे रहा। तो ठीक है, अब मुझे अपनी योजना बनाने के लिए कुछ जानकारी चाहिए। आप जो कुछ भी चाहें हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं पूछूं क्या? कोई भी सफल योजना बनाने के लिए मुझे जो जानकारी चाहिए उसे जानने में तो महीनों लग जाएंगे। नहीं आदरणीय, आप अपने युग के अनुसार ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका 25,000वीं सदी का है। आप मेरे साथ आइए, और फिर इस मशीन को हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं, यह आपको इस युग से संबंधित सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ ही मिनटों में दे देगा, परंतु उस जानकारी का उपयोग आपको अपने अनुसार ही करना होगा। तैयार रहिएगा। एक बटन दबा और ध्रुव के दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ उमड़ पड़ी, और कुछ ही मिनटों में मशीन ने अपना काम खत्म कर दिया। कमाल है, हमारे युग के लिए यह इंस्ट्रक्टर जादू से कम नहीं है। इस मशीन का तो हमारे युग वालों को आयात करना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ आदरणीय, परंतु हम लोग भूतकाल या भविष्य काल के युगों के साथ आयात निर्यात नहीं करते, सिवाय अपने पूर्वजों के। क्यों? खैर, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अब मुझे सिर्फ एक चीज और चाहिए, उस हार्मोन से भरा एक हाई पावर कैप्सूल जो मेक मानवों में फिर से कोमल भावनाएं जगाकर उनको क्रूरता से छुटकारा दिलाता है। 2 दिन बाद मेक मानव के रॉकेट पोर्ट की कड़ी सुरक्षा के बीच एक यान आकर उतरा। उसमें से 2 मेक मानव बाहर निकले। आप मेरे पीछे पीछे आइए आदरणीय, इस मेकअप में हमको कोई पहचान नहीं सकता। ठीक है मिसाटे, और आप गूंगे बने रहिएगा, सारी बातें मैं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ के तौर तरीके जानता हूँ। आइए, हमको इसी लाइन में आगे बढ़ना है। एक बार हम इन्वेस्टिगेशन काउंटर पार कर गए तो हम काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन यह काम शायद इतना आसान नहीं था। तो तुम मानव भूमि से आ रहे हो? क्यों गए थे वहां पर? व्यापार के सिलसिले में। कोई और कारण? हाँ, अपने भाई से मिलना था, उसकी अभी। सुनते ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान चमक उठी, और अगले ही पल उस मेक मानव के शरीर के चिथड़े हवा में उड़ रहे थे। ले जाओ इसके टुकड़ों को और मेक डॉग्स को पेट भर कर खिलाओ। मेक लैंड में मानव भूमि का जासूस बनकर आया था, लेकिन ये भूल गया कि मेक मानवों का कोई भाई नहीं होता। एक बार मेक मानव बन जाने के बाद सारे रिश्ते खुद ही खत्म हो जाते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आ रहे हो? मानव भूमि से। हाँ, क्या काम था वहां पर? उनसे धातुओं का सौदा करना था, ताकि हमारे महान देश में हथियारों की कोई कमी ना रहे। शाबाश, हमेशा अपने महान देश की तरक्की के बारे में सोचते रहो। और तुम? ये मेरा असिस्टेंट है ऑफिसर, मानव भूमि में एक एक्सीडेंट में इसकी जीप कट गई है, अभी यह बोल नहीं सकता। जल्दी ही ऑपरेशन करवा के इसको कृत्रिम जीप लगवा दूंगा। ऐसा क्या,
अपना मुंह खोलो, मुंह खोल, गूंगे के साथ साथ बहरा भी हो गया है क्या? अब तो इसको जवाब देना ही पड़ेगा। ध्रुव का जवाब शुरू से ही जरा करारा होता है। और जब ध्रुव का जवाब खत्म हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आए बस, आह, मुझे यकीन हो गया कि तुम मेक मानव ही हो। हाय, मर गया। इतनी बेरहमी से तो कोई मानव नहीं मार सकता। तो हम जाएं? हाँ, जल्दी जाओ और इस बेरहम को भी लेते जाओ। हाय। अब आगे का रास्ता साफ था। बाल बाल बचे, वरना मैं तो समझा था कि आज पकड़े गए। समझ तो मैं भी गया था, इसलिए उस ऑफिसर को यकीन दिलाना पड़ा कि मैं मेक मानव ही हूँ। आपका तरीका निराला है आदरणीय। आइए, अब हम जरा विश्राम कर लें। और लगभग आधे घंटे के बाद, आइए आदरणीय। ये किसका घर है? हमारे पास मैकलैंड में ऐसे कई घर हैं जहाँ पर हमारे एजेंट आकर रुकते हैं, लेकिन हमारे काम के लिए यह घर सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह विटलर के किले के काफी पास है। देखिए, वह है विटलर का भेद किला। तो अगला काम अब इस किले के अंदर पहुंचना है, और यह एक असंभव कार्य है। इस किले के भीतर घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है कि विटलर आपको खुद इस किले के अंदर जाने की इजाजत दे। ऐसा ही होगा मिसाटे। अगर क्रूर विक्टर क्रूरता से प्रभावित होता है तो वो मुझसे जरूर प्रभावित होगा, लेकिन मेरी उससे मुलाकात कैसे होगी मिसाटे? हमारी जानकारी के मुताबिक कल विक्टर की सवारी मैसेकर स्क्वायर से गुजरेगी। तो कल हम विटलर महान का वहीं इंतजार करेंगे, मैसेकर स्क्वायर पर। अगले दिन मैसेकर स्क्वायर पर विटलर महान की एक झलक पाने को बेताब खड़ी भीड़ में ध्रुव और मिसाटे भी थे। पीछे पीछे! ये खिलिट है आदरणीय, विटलर का सबसे विश्वास प्राप्त और क्रूर अंगरक्षक। इसकी क्रूरता को तो आप खुद ही देख सकते हैं। ध्रुव चुपचाप भीड़ से एक कदम आगे आकर खड़ा हो गया। हैं? अरे पीछे हट बुढ़िया। अरे सुनाई नहीं देता क्या? मैं पीछे हटने को बोल रहा हूँ और तू आगे बढ़ा आ रहा है। पीछे चल, पीछे। फिर वही हुआ जो होना था। धक्का मारने के लिए खिलिट का हाथ ध्रुव की छाती पर आकर रुका, और अगले ही पल उसका भीमकाय शरीर हवा में उड़ता हुआ विटलर के सामने आ गिरा। आह! पूरा कारवा अपने आप रुक गया। खिलिट धीरे धीरे उठा। पूरी भीड़ स्तब्ध होकर ध्रुव की दर्दनाक मौत का इंतजार करने लगी। विटलर भी गहरी दिलचस्पी से उस युवा मेक मानव को देख रहा था जिसने खिलिट को चुनौती देने की हिम्मत की थी। खिलिट ध्रुव को दबोचने के लिए उछला और एक बार फिर पीठ के बल जमीन पर आ गिरा। शर्म और क्रोध से खिलिट का क्रूर चेहरा चिंगारिया उगलने लगा। ध्रुव हालांकि सावधान था, लेकिन इस बार बचते बचते भी लोहे का एक भारी हाथ हथौड़ी की तरह उसके मुंह से अटकराया। खून के खारे स्वाद से ध्रुव का मुंह भर गया। ये तो बहुत जोर से मारता है। ये पहला घूसा तो मैं सह गया, लेकिन अगले घूसे से तो मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी, इसलिए इसको दूसरा मौका देना मूर्खता होगी। और फिर ध्रुव ने खिलिट को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। खिलिट की क्रूरता का जवाब क्रूरता से ही देना ध्रुव के लिए जरूरी था, क्योंकि लोहे को काटने के लिए लोहे से भी सख्त चीज की जरूरत होती है। आए। अब खिलिट के मुंह से अजीब अजीब दर्द भरी कराहें निकल रही थी। आए। और फिर एक झटके के साथ खिलिट अपने होश खो बैठा। शाबाश युवक, खिलिट हमारे मैकलैंड का सुपर चैंपियन है। तुमने उसको इतनी आसानी से हरा दिया, ये देखकर भी यकीन नहीं आता। तुम कौन हो और क्या करते हो? मेरा नाम डुब है महामहिम। मैं और मेरा साथी बहुत दूर से महामहिम के दर्शन करने आए हैं। मुझे यहाँ पर काम की भी तलाश है। तो तुम्हारी तलाश खत्म हुई युवक, हम तुमसे बहुत प्रभावित हुए हैं। आज से हम तुमको अपना मुख्य अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। महामहिम की सेवा करना अब इस गुलाम का फर्ज है। मुख्य अंगरक्षक? तो मैं महामहिम? हम तुमको तुम्हारी वफादारी का ध्यान रखते हुए नौकरी से नहीं निकालेंगे।
आज से हम तुम्हें अपने किले का मुख्य पहरेदार बनाते हैं। पहरेदार? इतनी बेइज्जती? ठीक है विटलर, आज तो इस छोकरे के साथ साथ तुम्हारा भी हिसाब करना पड़ेगा। वाह आदरणीय, आप तो वाकई बहुत जल्दी विटलर के करीब पहुंच गए, लेकिन आपकी योजना खतरनाक थी। बिना खतरा उठाए सफलता नहीं मिलती मिसाटे, याद रखना ये तुम्हारे पुरखे की सीख है। लेकिन इस सारे दृश्य को देखकर कोई और भी आश्चर्यचकित था। अरे ये तो बोलता है, तो ये मेरे सामने गूंगा क्यों बना था? यानी मामला गड़बड़ है। इस तरह से 15 मिनट के अंदर किसी की तकदीर बनी, किसी की बिगड़ी, और कहीं पर परिस्थितियों ने नया मोड़ ले लिया। और फिर ये आपका कक्ष है श्रीमान, अभी आप आराम कीजिए, महामहिम को जब जरूरत होगी वह आपको बुलवा लेंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। यकीन नहीं होता कि हम विटलर के किले में आ गए हैं, लेकिन अब करना क्या है? इंतजार, वह हार्मोन्स वाला इंजेक्शन कहाँ है? ये रहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इसका क्या करेंगे। इसका सही समय पर सही उपयोग होगा मिसाटे, ताकि मैकलैंड की पूरी जनता क्रूरता के चंगुल से मुक्त हो सके। यह एक इंजेक्शन से पूरे मैकलैंड का इलाज कर देगा? इसकी यह बात तो समझ में ही नहीं आती। लगता है हमने इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है। लेकिन किले में कहीं और घटनाएं नया रुख अपना रही थी। अच्छा, तुमको इस बात का पूरा यकीन है? आपसे झूठ बोलकर मैं अपनी मौत को दावत क्यों दूंगा खिलीट महान? मैं फिर बता रहा हूँ, ये दोनों कल ही मैकलैंड में आए हैं, और इस डू नाम के छोकरे ने गूंगेपन का नाटक भी किया था। लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है? कारण तो शीशे के क्रिस्टल की तरह साफ है, ये दोनों मैकलैंड में मानव भूमि के जासूस बनकर आए हैं। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। विटलर इस छोकरे से बहुत प्रभावित हो गया है। अगर मैंने उसके सामने अपनी शंका जाहिर की और उसे साबित ना कर सका, तो विटलर मेरी गर्दन शर्तिया कटवा देगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपकी तरह ही मुझे भी इसी डूब से अपना बदला चुकाना है। हमको इन दोनों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अगर ये जासूस हैं, तो कोई ना कोई गलत हरकत जरूर करेंगे, और तब हम इनको रंगे हाथ पकड़ सकेंगे। हालांकि ध्रुव इस नए घटनाक्रम से अनजान था, परंतु फिर भी मुझे ना जाने क्यों किसी गड़बड़ का आभास हो रहा है, इसलिए ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप उस प्लेन के यात्रियों को मुक्त कैसे कराएंगे। उस प्लेन के यात्रियों को मुक्त कराने का सिर्फ एक ही उपाय है, कि विटलर खुद ही उनको छोड़े जाने का आदेश दे, यह आपने कहा था। लेकिन विटलर ऐसा कभी नहीं करेगा, उस पर किसी भी तरह का दबाव बेअसर है। हम मानव भूमि वाले पिछले कई सालों से यही कोशिश तो कर रहे हैं। तो फिर देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो मैं जरूर कामयाब होऊंगा। विटलर कितने बजे सोने जाता है? विटलर कभी नहीं सोता आदरणीय, क्योंकि उसके मशीनी अंग कभी नहीं थकते। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक वह हर रात 12 से 2 बजे तक अपने कक्ष में अकेले बैठकर व्यक्तिगत काम करता है। तब तो वही समय मेरे लिए सबसे अच्छा है। और उसी रात विटलर के पास जाने का सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि मैं सीधे रास्ते से ही जाऊं। छिपकर जाने का अर्थ अपने आप को जासूस साबित करना। रुक जाइए, आप कहां जा रहे हैं? ऊपर महामहिम से मिलने, उनसे मेरा इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है। क्षमा चाहता हूं डू महान, परंतु इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? महामहिम का ऐसा ही आदेश है, वैसे भी ऊपर जाने के सभी रास्ते बंद हैं, आपको 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। ध्रुव समझ गया कि ज्यादा बहस करना शक को दावत देना होगा, और वह वापस अपने कमरे की ओर मुड़ा, और उसकी नजर शीशे में झलक रही 2 परछाइयों पर पड़ी। खिलीट और उसके साथ वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। क्या हुआ आदरणीय, आप वापस क्यों? अरे आदरणीयों को मारो गोली, सब गड़बड़ हो गई है। वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खिलीट तक पहुंच गया है। हे भगवान, अब हमको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, इससे पहले कि वह कुछ करे, हमको विटलर तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन कैसे? ऊपर जाने के सभी रास्ते तो बंद है। वह क्या है मिसाटे? यह एयर कंडीशनिंग कॉरिडोर है। हम लोगों की हर इमारत में एयर कंडीशनिंग संयंत्र एक ही स्थान पर लगता है, और उस हवा को इन कॉरिडोरों के जरिए पूरी इमारत में पहुंचाया जाता है। आपके युग में भी ऐसा ही कुछ बचकाने स्तर पर किया जाता था। यानी विटलर के कमरे में भी हवा उसी संयंत्र से पहुंचती होगी, और यह कॉरिडोर विक्टर के कमरे में भी खुलता होगा। जी हाँ। बहुत अच्छा, यानी विटलर के पास जाने का यही सबसे अच्छा रास्ता है।
इस कॉरिडोर का मुंह भी इतना चौड़ा है कि इसमें एक आदमी बड़े आराम से घुस सकता है। यह करना इतना आसान नहीं है आदरणीय, क्योंकि इस कॉरिडोर में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं है और इसकी दीवारें शीशे की तरह चिकनी है। इसके अंदर का तापमान शून्य से कई डिग्री कम होता है। उस ठंड में सिर्फ इन कपड़ों में जिंदा रह पाना भी मुश्किल है। कोई बात नहीं मिसाटे, अब मुझे ये खतरा लेना ही पड़ेगा। तुम सिर्फ खिलीट का ध्यान रखना, मैं काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करूंगा। कुछ ही देर बाद ध्रुव कॉरिडोर के अंदर था। ओह, यहाँ तो वाकई जानलेवा ठंड है। घुसते ही खून जमना शुरू हो गया है। इस वक्त मुझे श्वेता का वह इलेक्ट्रॉनिक यंत्र याद आ रहा है जो उत्तरी ध्रुव पर भी मुझे गर्म रखे हुए था। मुझे हर वक्त उसे अपने साथ रखना चाहिए था। वाह, क्या चिकनी और सपाट दीवारें हैं। इस पर से तो शायद छिपकली भी फिसल कर गिर जाएगी। इस पर तो चढ़ पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह ये कि पीठ दीवार के इस तरफ टिकाई जाए और पैर दीवार के उस तरफ, और फिर घोंगे की चाल से यह 300 फीट की चढ़ाई चढ़ी जाए। ध्रुव का सर्कस में सधा हुआ बदन एक एक इंच करके ऊपर सरकने लगा। उधर खिलीट बेसब्र हो रहा था। वह छोकरा बाहर क्यों नहीं आ रहा है? मैं जानता हूँ, वह पकड़े जाने का इंतजार नहीं करेगा। जरूर अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। आओ मेरे साथ। मिसाटे को जब तक आने वाले खतरे का आभास होता तब तक देर हो चुकी थी। ओह, तो मेरा शक सही निकला। ये सब मेकअप है, यानी तुम मानव भूमि के जासूस हो। मिसाटे के सामने अब एक ही रास्ता था। वह खिलीट की तरफ लपका और एक ही वार में धराशायी हो गया। वह देखिए खिलीट महान, वह ग्रिल खुली हुई है। वह छोकरा जरूर इसी रास्ते से विटलर महान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हमको तुरंत महामहिम को सावधान करना चाहिए। शांत अफसर, शांत। महामहिम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। वैसे भी हमारी इस बात पर यकीन करके कोई हमें ऊपर नहीं जाने देगा। पहले वह छोकरा विटलर को मेरे रास्ते से हटा दे, उसके बाद मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। ऊपर विटलर रोज की तरह ही व्यस्त था, लेकिन आज पहली बार उसकी व्यस्तता में बाधा पड़ने वाली थी। ये क्या बदतमीजी है ध्रुव? इस हरकत का क्या मतलब है? मतलब नहीं, कारण पूछे महामहिम। कारण वह 20वीं सदी का हवाई जहाज है जिसको आप अपहरत करके यहाँ ले आए हैं। मैं उसे वापस लेने आया हूँ। तो तुम मानव भूमि के जासूस हो। वाकई काबिल आदमी हो, क्योंकि तुमसे पहले कोई मानव अपनी मौत के इतने पास नहीं पहुंचा था, बल्कि मौत खुद उनके पास आई थी। ओह, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। विटलर के मेक डॉग ने ध्रुव को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। यह तो बहुत खूंखार है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये मुझे चबा ही डालेगा। अब देखना यह है कि इस युग के मशीनी पशु मेरी बोली समझ पाते हैं या नहीं। ध्रुव के गले से एक गुरगुराहट उभरी और खून पी जाने को बेताब मशीनी कुत्ता रुक गया और धीरे से पीछे सरक कर एक कोने में दुबक गया। आश्चर्य मत करो विटलर, ये सारे खूंखार पशु मेरे दोस्त हैं और कम से कम इनको भले बुरे का एहसास है। बस छोकरे, बहुत हुआ। अब मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि पूरी मानव भूमि उससे कांप उठेगी। विटलर की उंगली से एक किरण निकलकर एक खंभे से टकराई और ध्रुव का बदन उड़कर उसमें जा चिपका। ये एक अति शक्तिशाली विद्युत चुंबक है लड़के, और यह तुम्हारे धातु के अंगों को तब तक पकड़े रहेगी जब तक मैं तुम्हारे टुकड़े न कर दूं। तुम्हारा दिल तोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है विटलर, क्योंकि मेरे हेलमेट की तरह ये सारे धातु के अंग भी नकली हैं। तुम आराम से इनके टुकड़े करते रहना, तब तक मैं तुम्हारे बिगड़े दिमाग का इलाज कर दूं। ध्रुव जानता था कि विटलर को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कि विटलर को संभलने का कोई भी मौका न दिया जाए। लेकिन ध्रुव के भीषण वारों का विटलर के मशीनी शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था, जबकि विटलर के एक ही करारे वार से ध्रुव को तारे नजर आ गए और दूसरे से ध्रुव के दिमाग पर हल्का सा अंधेरा छाने लगा। तीसरा वार निश्चित ही ध्रुव की जान ले लेता। मौत कुछ ही कदम दूर थी और उससे बचने का रास्ता बहुत दूर था। लेकिन तभी ध्रुव की नजर किसी चीज पर पड़ी।
और उसके बदन में फूर्ति की एक नई लहर दौड़ गई और अगले ही पल विटलर का टनो भारी शरीर हवा में उड़ता हुआ विद्युत चुंबकीय खंभे से जा चिपका। इससे पहले कि आश्चर्यचकित विटलर अपने रिमोट फिंगर से चुंबक को बंद कर पाता, ध्रुव आगे लपका। उसके हाथों ने विटलर के सिर के दोनों तरफ उभरे बटनों को दबाया और विटलर की मशीनी खोपड़ी ढक्कन की तरह खुल गई। अंदर विटलर का मस्तिष्क साफ नजर आ रहा था। ध्रुव ने बिना कोई वक्त गवाए हार्मोन्स का सुपर पावरफुल इंजेक्शन अंदर डाल दिया। सिर का ढक्कन बंद होते ही विटलर का सिर एक कराह के साथ एक तरफ ढुलक गया। तभी कक्ष का दरवाजा भड़ाक से खुला। वह रहा, अरे इसने महामहिम को मार डाला, खत्म कर दो इसे। बिना कोई सवाल पूछे ध्रुव पर कई लेजर गने तन गई। मैकलैंड में शायद अदालत नाम की कोई चीज नहीं थी। मशीनी उंगलियां ट्रगरों पर दबने लगी। अब कोई भी चाल ध्रुव को मौत से नहीं बचा सकती थी। फायर! ठहरो! ये सब क्या हो रहा है? महामहिम, आप जिंदा हैं? तुमको कोई शक है क्या? ये क्या तमाशा हो रहा है? जवाब दो! इस लड़के ने आपको मारने की कोशिश की थी स्वामी, ये मानव भूमि का जासूस है, हमारा दुश्मन। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ क्लीट, और बिना कुछ साबित हुए किसी को भी ऐसे सजा नहीं दी जा सकती। ये आप कह रहे हैं महामहिम? हाँ, और अब तुम सब बाहर जाओ। मैं अकेले में इस युवक से यह जानना चाहता हूँ कि अंगरक्षक होने के बावजूद भी इस युवक ने मुझ पर हमला क्यों किया। और फिर ध्रुव से पूरी कहानी विस्तार से सुनने के बाद, तो आपको इस वजह से ऐसा करना पड़ा आदरणीय। आपके दिए हार्मोन्स के इंजेक्शन ने वाकई मेरे दिल से क्रूरता पूरी तरह से खत्म कर दी है। मैं आज से ही हर नेक मानव के लिए इन हार्मोन्स इंजेक्शन को लेना अनिवार्य कर दूंगा, और आपके युग के सभी यात्रियों को सम्मान से ही विदा करूंगा। आपकी वीरता और महानता के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आदरणीय। मैं बचपन से ही आपका प्रशंसक रहा हूँ, हालांकि आपको साक्षात सामने देखकर भी मैं आपको तुरंत नहीं पहचान सका। इन सब के लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब इस पृथ्वी पर मैकलैंड नाम की कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ मानव भूमि रहेगी। पूरी पृथ्वी एक होगी, पूरा समाज एक होगा। आपके इस महान कार्य के लिए मैं आपको अपनी एक यादगार देना चाहता हूँ आदरणीय। यह एक मेरी शक्ल का लॉकेट है। यहाँ से वापस अपने युग में जाने के बाद आपको और प्लेन के यात्रियों को तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन जब कभी भी भूले भटके आप इसको देखेंगे तो इसको देखकर शायद कभी आपको अपने इस नालायक वंशज की याद आ जाए। अपने वंशज? हाँ आदरणीय, मैं आपका ही वंशज हूँ। आज आपने अपने ही बिगड़े बेटे को सुधारा है, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मौका किसी भी मानव की जिंदगी में पहले कभी नहीं आया था। आखिरकार कई क्षणों की चुप्पी के बाद ध्रुव बोला, मैंने तुमको माफ किया विटलर। और फिर, हम बड़े दुख के साथ आपको आपके युग में वापस भेज रहे हैं आदरणीय। ये बदली हुई पृथ्वी आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। बस आगे और कुछ कहकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। हम आपको आपके युग में ठीक प्लेन के अपहरण के पहले पहुंचा देंगे। इस तरह से ना तो आपको इस यात्रा के बारे में कुछ याद रहेगा और ना ही इन घटनाओं का आपके युग पर कोई असर पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ यह किसी को कुछ याद नहीं। बात जहां पर खत्म हुई थी वहीं से फिर शुरू हो गई। कभी कभी ना, लेकिन यहाँ तो रोज। क्या हुआ श्वेता, तुम बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गई? पता नहीं मम्मी, एक सेकंड को ऐसा लगा कि अभी उधर से कोई उड़ंत अस्त्री उड़ती हुई आएगी, क्यों नहीं, और उसमें एक परी बैठी होगी जिसके पीछे राक्षस लगे होंगे, है ना? तेरी भी कल्पना कहा जवाब नहीं श्वेता। और कमांडो हेडक्वार्टर में, अरे कैप्टन तुम, क्या बात है, बड़े थके लग रहे हो। हाँ करीम, थकान तो हो रही है, लेकिन मैं तो अभी घर से ही आ रहा हूँ, फिर ये थकान क्यों? तुम्हारे गले में लॉकेट कैसा है? लॉकेट? यह तुमको कहाँ से मिला? पता नहीं, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इस तरह के व्यक्ति से कहीं मिला हूँ, शायद सपने में या फिर स्टार वॉर्स फिल्म में, क्यों? ध्रुव के मस्तिष्क की भूल भुलैया में
सच्चाई कहीं फंसी हुई थी, लेकिन यह तय था कि वह जल्दी ही उभरेगी।